हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। अभी हम एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसमें हम एचएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिकेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपोर्ट्स जो है वो क्वेश्चंस में पूछ ही लेते हैं, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो इसका जो आंसर है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें देखते हैं कि क्या क्या फोरकास्ट किए गए थे। इसके अकॉर्डिंग इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी लास्ट ईयर। According to data from IMF's October World Economic Outlook, और अगर हम nominal GDP की बात करें तो country ने France and UK को भी पीछे छोड़ा है। Country's GDP growth has been among the highest in the world in the past decade, और जो annual growth rate आ रही है वो आ रही है between 6-7% के बीच में। और इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को इसका रीजन माना जा रहा है, अकॉर्डिंग टू अ 2016 मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, जिसकी वजह से एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई है। अगर हम सिंस 1995 से देखें तो कंट्री का जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितने से जंप हुआ है, बाय 700%। चलिए देखिए 2010 में अगर हम देखते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज जीडीपी करंट प्राइसेस पे लिया गया है, तो इनके अगर हम रैंक देखें तो फर्स्ट नंबर पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे फ्रांस, सिक्स पे यूके, सेवन पे ब्राजील, एट पे इटली, एंड इंडिया इज ऑन द नाइन्थ पोजिशन। और अगर हम 2019 की बात करते हैं तो फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे जर्मनी और फिफ्थ नंबर पे इंडिया है। मींस नाइन्थ से ये कौन से प्लेस पे आ गया है, फिफ्थ प्लेस पे आ गया है। और अगर हम रीसेंट अपडेट देखें, ये है जून 2020 की, मींस इसमें जो COVID-19 का एडवर्स इम्पैक्ट है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम यहाँ से नोटिस करें तो 2020 में जो प्रोजेक्शंस की गई हैं कंट्रीज के लिए वो सारी नेगेटिव में जा रही है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को जो है वो 1.0 से ग्रो करेगी, और जो इंडिया की दिखाई गई है वो है -4.5। ये जो प्रोजेक्शंस में इतना सारा डिफरेंसेस आया है वो COVID-19 की वजह से और फर्दर लॉकडाउन जो हो उसकी वजह से ये हुआ है। IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं गीता गोपीनाथ, इसका नेम भी आपने याद रखना है। और इनके अकॉर्डिंग जो ये प्रोजेक्शंस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बिकॉज हो सकता है ये अपसाइड या डाउनसाइड भी चली जाए। अगर कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट जल्दी आ जाती है या फिर एडिशनल पॉलिसी सपोर्ट दिया जाता है तो हो सकता है कि इकोनॉमीज जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ग्रो करें, लेकिन मे बी सेकेंड वेव हो, अगर इन्फेक्शन आती है और लॉकडाउन बढ़ता है तो डेप्ट इंक्रीज होगा, तो प्रोजेक्शन जो इकोनॉमिक ग्रोथ की है वो जितनी बताई गई उससे भी ज़्यादा कम हो सकती है। तो ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि टोटल 2020-2021 में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। क्लोज्ड इकोनॉमी बताना आपने कैसी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है, दैट हैज नो ट्रेडिंग एक्टिविटी विद आउटसाइड इकोनॉमीज, जिसकी दूसरी बाहर की इकोनॉमीज के साथ कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, उनको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और इन्हें माना जाता है कि ये एंटायरली सेल्फ
सफिशियंट होती हैं। इसका मतलब है ना तो इस यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और ना ही इंपोर्ट हो रहा है। तो ये सारे इसके क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्लोज इकोनॉमी के। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, नहीं ऐसा हमने कुछ डिस्कस नहीं किया है। डेफिशिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, ये भी नहीं है। ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, लेकिन अभी हमने कहा कि एक्सपोर्ट तो होता ही नहीं है। फोर्थ वन इज नीदर एक्सपोर्ट्स नोर इम्पोर्ट्स टेक प्लेस। तो यस ये हमारा आंसर है ऑप्शन फोर, नीदर एक्सपोर्ट्स नोर इम्पोर्ट्स टेक प्लेस। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही इम्पोर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। IMF के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट कौन सी दी गई हमें, फर्स्ट इज इट कैन ग्रांट लोन्स टू एनी कंट्री, इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली डेवलप्ड कंट्रीज, इट ग्रांट लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्रीज, इट कैन ग्रांट लोन्स टू सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। तो चलिए देखते हैं IMF किस तरह से लोन देता है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक का जो लोन देने का क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। IMF वर्ल्ड बैंक की तरह एक डेवलपमेंट बैंक नहीं है और ये प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं करता। बट अगर इसके कोई भी मेंबर कंट्रीज, चाहे वो रिच हो, चाहे वो मिडिल इनकम के हो, चाहे पुअर कंट्रीज हो, ये सब IMF से लोन ले सकते हैं अगर वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आते हैं। तो मींस IMF जो है वो किनको लोन देता है, मेंबर कंट्रीज को, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि पुअर कंट्रीज को ही देना है या मिडिल इनकम को देना है। डेवलप्ड, मिडिल इनकम, पुअर, किसी भी तरह के जिनके मेंबर्स हैं वो IMF से लोन ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, इट ग्रांट्स लोन्स ओनली टू मेंबर कंट्रीज। किसको देता है ये IMF लोन, मेंबर कंट्रीज को लोन देता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, द टर्म अरगट्टा रेफर्स टू, अरगट्टा जो है उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन दी हुई है बॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट्स मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, वाटर व्हील यूज इन इरीगेशन ऑफ लैंड, वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं ये अरागट्टा होता क्या है। अरा का मीनिंग होता है स्पोक और घट्टा का मीनिंग होता है पोर्ट। स्पोक मीन्स जो नंबर ऑफ रोड्स रेडिएट होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द व्हील, उसको स्पोक्स बोलते हैं। तो ये जो अरागट्टा है बेसिकली ये क्या है, एक पर्शियन व्हील है जिसको कि किसके लिए यूज किया जाता था, इरिगेशन के लिए यूज करते थे, और इसमें वाटर लिफ्ट करने के लिए एनिमल पावर यूज की जाती थी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, मींस ये क्या है, एक व्हील है, वाटर व्हील बेसिकली, बिकॉज किसके लिए इसको यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए करते हैं और वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज होता था। वाटर व्हील यूज इन इरिगेशन ऑफ लैंड, इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन थ्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं सत्यशोधक समाज ने क्या किया था, चलिए ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सत्यशोधक समाज को ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी भी कहा जाता है। इसे 1875 में ज्योतिबा फूले द्वारा बनाया गया था। ये जो सत्यशोधक समाज था इट वॉज अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन एंड अपर कास्ट डोमिनेशन, मीन्स ये ब्राह्मिन्स की जो सुपरमेसी थे उसके अगेंस्ट थे और जो अपर कास्ट की डोमिनेशन थी उस टाइम पे उसके अगेंस्ट थे। और ये उस टाइम का बहुत ही पावरफुल मूवमेंट था जिसे कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था। मीन्स ये एक तरह से क्या था, एंटी कास्ट मूवमेंट। जो ज्योतिबा फुले थे वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे, माली कास्ट से बिलोंग करते थे। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है फुले के वो है
सार्वजनिक सत्य धर्म एंड सेकेंड वन इज गुलामगिन. तो इन दोनों के नेम आपने याद रखने हैं, सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिन. और इस मूवमेंट का मेन एम क्या था, सोशल सर्विस एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द वुमेन एंड द लोअर कास्ट पीपल. जो फूले थे वो क्या चाहते थे, वो कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करना चाहते थे और सांस्कृतिक हिंदुइज्म जो था उसको भी खत्म करने के पक्ष में थे. और उन्होंने अपनी वाइफ सावित्री बाई फूले के साथ मिलके पूना में गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कूल भी ओपन किया था. सावित्री बाई फूले को फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया कहा जाता है. इसके अलावा उन्हें मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहते हैं. तो आप लोगों ने ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने बताया है इसको भी सबको याद रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 इयर्स. सेकंड इज अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमेंडर पीरियड. हमने बताना क्या है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है. फर्स्ट इज द मिनिमम एज. पंचायत का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 इयर्स? नो, दिस इज इनकरेक्ट, 21 इयर्स. तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, इसका मतलब सी भी नहीं आएगा. सेकंड देखते हैं. अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमेंडर पीरियड. प्री मेच्योर डिसोल्यूशन मीन्स अगर इसका डिसोल्यूशन हो जाता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फुल 5-year term. 5-year term से पहले अगर इसका डिसोल्यूशन हो जाता है तो अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो ये कितनी देर के लिए चलेगी, जो बाकी का टाइम पीरियड बचेगा उसके लिए चलेगी. तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 ओनली. चलिए पंचायती राज की बात करें तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. पंचायती राज है ये, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो फॉर्म दी गई थी वो किससे दी गई थी, 73rd Amendment Act 1992 में. और इस एक्ट के थ्रू कौन सा पार्ट ऐड हुआ था, पार्ट 9. और इसके आर्टिकल्स कौन से, आर्टिकल 243 से 243O तक. इसके अलावा इसमें क्या ऐड हुआ था, 11th स्केड्यूल. और टोटल फंक्शनल आइटम्स कितनी है पंचायत के पास, 29. और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से DPSP का कौन सा आर्टिकल फुलफिल हुआ था. तो ये था गांधीयन प्रिंसिपल के जो आर्टिकल्स है इसके थ्रू आर्टिकल 40 को कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म मिल गई थी. एज कितनी होती है इसके लिए, 21 years होती है. और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 5 years. लेकिन 5 years से पहले भी इसे डिसॉल्व किया जा सकता है. तो चलिए पंचायती राज से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस इन 5th Schedule and 6th Schedule इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू. इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. 5th and 6th Schedule को हमने अलग अलग से पढ़ा है. तो ये किससे रिलेटेड है, ये स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है. तो ऑप्शन कहाँ पे है देखते हैं, चेक करते हैं. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्केड्यूल ट्राइब्स, बाकी सारे ऑप्शन भी चेक कर देते हैं. डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट्स, नो. डिटरमाइन द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ये भी नहीं है. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट, नो. इसका आंसर क्या, ऑप्शन 1, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्केड्यूल ट्राइब्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन के ऊपर है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करिए. और ये क्वेश्चन जो है वो मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो चलिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन. आपने बताना है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से स्केड्यूल में एंटी डिफेक्शन के बारे में लिखा हुआ है. तो इसका आंसर क्या है, इसका जो स्टेट जो आंसर है वो है 10th Schedule. 10th Schedule इज रिगार्डेड एज द एंटी डिफेक्शन लॉ. तो ये 10th Schedule किसके थ्रू आया था, दिस वॉज थ्रू द 52nd Constitutional Amendment Act 1985 में. And it provides for the disqualification of members of parliament and the state legislature.
on ground of defection from one political party to another. और इसको अमेंड भी किया गया था, कब किया गया था, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में. तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं, 10th स्केड्यूल जो है उसको अमेंड कब किया गया था, तो कब किया गया था, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया था. चलिए देखते हैं इसको क्रिएट करने का रीजन क्या था. ये स्केड्यूल इसलिए ऐड किया गया था बिकॉज जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें क्या हो रहा था, बहुत सारी पॉलिटिकल डिफेक्शंस आ रही थी. मींस जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स थे वो फ्रीक्वेंटली अपनी पार्टीज चेंज करते रहते थे, और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो क्या हो जाती थी, अनस्टेबल हो जाती थी, और दोबारा से गवर्नमेंट को फॉर्म करना पड़ता था. और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक स्लोगन जिसे कहते हैं आया राम गया राम पॉलिटिक्स, मींस कभी गवर्नमेंट आ रही है और कभी जा रही है, आया राम गया राम टाइप की पॉलिटिक्स चल रही थी. तो फिर इन डिफेक्शंस को कर्ब करना बहुत जरूरी था, बट इस डिफेक्शन को कर्ब करने के साथ साथ जो लेजिस्लेचर्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच था उसको भी बचाना बहुत जरूरी था. मींस पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड लेजिस्लेचर की फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या होना चाहिए था, एक बैलेंस होना चाहिए था. तो काफी देर विचार विमर्श के बाद ये 10th स्केड्यूल लाया गया था जिसमें कि डिफेक्शन को कर्ब करने के एफर्ट्स किए गए थे, और एट द सेम टाइम लेजिस्लेचर की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई भी नुकसान ना हो उसका भी ध्यान रखा गया था. तो आपने एंटी डिफेक्शन का जो स्केड्यूल है उसके साथ साथ इसका ईयर कब ऐड हुआ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, फिर इसमें अमेंडमेंट कब की गई, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और ये क्यों हुआ था, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है ताकि आप आंसर जो है वो अच्छे से दे पाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरी या ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. आपने बताना है कि जो नीचे दी गई है उनमें से कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं. फर्स्ट इज दिबांग, सेकेंड इज कामेंग, थर्ड इज लोहित. तो दिबांग, कामेंग, लोहित ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं. तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 4, 1, 2 and 3 ओनली. इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ये है दिहिंग, कोपिली, मानस, सुबानसिरी एंड तीस्ता. तो इनको भी आप याद रखिए, इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इनके नेम आपने याद रखने हैं. हो सकते हैं एग्जाम में आपको ये ना पूछ के ये सारी वाली ट्रिब्यूटरीज पूछ लें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट. आपने बताना है इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है. चलिए इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं. ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, ये है अरुणाचल प्रदेश. और अगर हम वेस्टर्न की बात करें, ये हमें वेस्टर्न सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी स्टेट है, ये है गुजरात. राजस्थान यहीं पे खत्म हो रही है, बाकी सारी पीछे है. तो अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न मोस्ट है वो है गुजरात, और जो ईस्टर्न मोस्ट है वो कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश. तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जो टर्की की लोकेशन है वो इसे एक सिग्निफिकेंट जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देती है. तो देखते हैं ये किस किस के बीच में है लोकेटेड. ये देखिए इसके नॉर्थ में है ब्लैक सी और साउथ में है मेडिटेरियन सी. तो ये ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में है. अगर वेस्ट में देखें तो यहाँ पे कौन सा सी है, एजियन सी है. तो इसका आंसर क्या होगा, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, मीन्स ऑप्शन 2, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी. टर्की इज बॉर्डर्ड बाय 8 कंट्रीज, कौन कौन से है, सीरिया, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, बुल्गारिया एंड ग्रीस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कारगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट, दो कमिटीज के नाम दिए गए हैं, आपने बताना है दीज आर रिलेटेड टू. नीचे जो ऑप्शंस दी हुई हैं आपने बताना है उनमें से ये जो कमिटीज है वो किससे रिलेटेड है. ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, गंगा एक्शन प्लान,
लिंकिंग ऑफ रिवर्स या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो इसका जो आंसर है वो है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। गार्डियल एंड कस्तूरी रंगन ये न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं देखी जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट कमिटीज थी और इनकी रिकमेंडेशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं। फर्स्ट जो है, जो गार्डगिल कमिटी थी, इसने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो 31st August 2011 को गवर्नमेंट को दे दी थी। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी उसमें क्या था, इसने डेजिग्नेट किया था एंटायर वेस्टर्न घाट हिल रेंज एरिया एज द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। गार्डगिल कमिटी ने पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट हिल रेंज एरिया था उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डेजिग्नेट कर दिया था, ESA। लेकिन इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, इसको ज्यादा इको फ्रेंडली माना जा रहा था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती है। इसके बाद कस्तूरीरंगन कमिटी को सेटअप किया गया था और जो इसकी मेन रिकमेंडेशन थी उसके अकॉर्डिंग ओनली 37% ऑफ टोटल एरिया टू बी ब्राउट अंडर द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। और इसने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग क्वेरिंग सैंड माइनिंग की रिकमेंडेशन दी थी। फर्दर इस कमिटी की भी थोड़ी क्रिटिसिज्म थे लेकिन वो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम मेन्स के लिए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इनका क्या क्या क्रिटिसिज्म था। तो अभी हमारे पास इसका आंसर क्या बनता है, प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच वन डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ अदर थ्री। आपने बताना है जो मैं चार ऑप्शन दी गई है उनमें से एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बाकी तीनों के साथ मैच नहीं करता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। तो इसका जो आंसर है वो है क्रैब, बिकॉज जो माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर है ये बिलोंग करते हैं क्लास एरेक्निड से। जो एरेक्निड क्लास होती है इनकी जॉइंट लेग इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, जबकि जो क्रैब की क्लास है वो अलग होती है जिसको बोलते हैं मेलाकोस्ट्रेका। तो जो इसमें से डिफरेंट है वो कौन सा है, क्रैब। टिक्स भी एरेक्निड्स के अंदर ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु लॉन्च यशविनी स्कीम फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन गोवा। यशविनी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो जो यशविनी स्कीम है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, बाय स्मृति ईरानी जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल्स हैं। इस स्कीम के अंडर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिजनेस के लिए अप टू 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बन रहा, ऑप्शन 3, स्मृति ईरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्रिटिश इंडियन योगा चैंपियन हैज वन द ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड कौन से ब्रिटिश इंडियन को मिला है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2, ईश्वर शर्मा। ये ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करता है, मैसूर से, और ये 10 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग बॉय है। और इसको ये अवार्ड किस लिए दिया गया है, फॉर हिज अचीवमेंट इन द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन योगा। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो नेम्ड एज द ब्रिटिश इंडियंस ऑफ द ईयर इन द यंग अचीवर कैटेगरी एंड वन अ गोल्ड मेडल एट द यूरो एशियन योगा चैंपियनशिप। इसके अलावा he has also qualified to represent Great Britain in the World Yoga Championship जो कि कहाँ पे होगी, कैनेडा में होगी, in October 2020। इसमें total 55 countries participate करेंगे। तो ये क्या करेगा, Great Britain को वहाँ पे represent करेगा। Which Indian monument has been included in the Shanghai Cooperation Organization's 8 Wonders of the SCO list? Shanghai Cooperation के 8 Wonders में India के कौन से monument को include किया गया है, तो
तो इसका जो आंसर है वो क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। एससीयू के बारे में आपको पता होगा, इसमें टोटल कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कई बार कंट्रीज पूछते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, तो आपने इन सबके नाम याद रखने हैं। चलिए अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देखते हैं। ये क्या है, ये 182 मीटर टॉल स्टैचू है, और ये किस इसके इस स्टैचू के थ्रू इसको ट्रिब्यूट दी गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जो कि क्या थे, इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसे सरदार सरोवर डैम के पास नर्मदा रिवर पर बनाया गया है। इसके अलावा बाकी के जो वंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी एक है, और बाकी 7 कौन से हैं, ये है टैमिंग पैलेस, जो कहाँ पे है, चाइना में है। एक है नवरूज पैलेस, जो कहाँ पे है, ताजिकिस्तान में है। देन मुगल्स हेरिटेज इन पाकिस्तान, देन तमगेले जॉर्ज इन कजाकिस्तान, कोई कला कॉम्प्लेक्स इन उज्बेकिस्तान, लेक इसिल कुल इन किर्गिस्तान, एंड लास्ट इज गोल्डन रिंग सिटीज इन रशिया। ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड एक वन था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने बताना है कौन सा पास कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करता है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1, दुलची पास, जो किसको ज्वाइन करता है, कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच राजा ऑफ केलूर डाइड इशूलेस, हुज डेथ गेव राइज टू सक्सेशन स्ट्रगल। आपने बताना है केलूर का कौन सा राजा इशूलेस ही मर गया था, और उसके मरने के बाद सक्सेशन स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था, तो इसके जो आंसर है वो ऑप्शन 2, खड़क चंद। तो चलिए आज के MCQs यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर नए MCQs के साथ मिलेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।